व्हाट्सअप आर्ट इस्लामी और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पेन के बारे में जो हाईलाइट के लिए एकदम बोल सकते बहुत ही अच्छा पेन है, ठीक है। और मैंने इसको खरीदा, मैंने इसको ड्राइंग में यूज किया और काफी अच्छा रिजल्ट आया थी, ठीक है। सो मैंने सोचा यार चलो ये जो रिजल्ट आया है इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इसको हम कैसे यूज करेंगे उसको भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस जो पेन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है सकुरा का जेली रोल पेन, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है, सकुरा का जेली रोल पेन है जो मैंने अभी खरीदा था, ठीक है, अमेज़न से खरीदा था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ जाकर चेकअप करो और अगर आपको अच्छा लगे तो यार उसको परचेस करो, काफी अच्छा है, हेल्पफुल है आपके हाइलाइट्स के लिए, ठीक है, सही है। सो अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे ऑप्ट होता है ऑन द ग्राफाइट कलर पेंसिल एंड ऑन द स्टेडलर मास यूमोग्राफ ब्लैक कलर का जो पेंसिल है जो काफी डार्क होता है उसके ऊपर देखते हैं कैसा ऑप्ट होता है, ठीक है। सो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम फोड़े एंड लेट स्टार्ट एंड सी इसका क्या रिजल्ट है। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, चलो। सो गाइज ये है हमारा जेली रोल वाइट, ठीक है, सकुरा का जेली रोल है, ठीक है, जो एक्चुअली में जेली जेली वाला फीलिंग नहीं देता, ठीक है, लेकिन इसका नाम ही जेली है, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये है फाइन, मीडियम और बोल्ड, ठीक है, और इसका जो है ये देख सकते हो लाइन का जो विड्थ है, हम उसे जो मोटापा है वो है 0.3 mm, 0.4, 0.5 mm, 3 pen के साथ, ठीक है, 3 pen इसके साथ आता है, आप देख सकते हो, मेड इन जापान, थैंक गॉड दिस इज नॉट इन चाइना, नहीं तो अभी तक मैं इसको फेंक देता, ठीक है। सो इसका जो मार्केट प्राइस आप देख सकते हो 180 rupees का है प्लस इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज, तो कुछ 200 rupees के ऊपर आराम से आ गया, ठीक है। तो अभी हम इसको निकालते हैं और देखते हैं कैसा है ये पेन, ठीक है, हम इसको चेक भी करेंगे कलर पेंसिल के ऊपर, ग्राफाइट के ऊपर, ठीक है, इन सब के ऊपर चेक करेंगे और इनका देखेंगे कितना थिकनेस है, ठीक है। सो आप देख सकते हो गाइस पहले तो है 5 वाला, ठीक है, उसके बाद एक है 8 वाला, उसके बाद एक है 10 वाला, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है थिकनेस, ठीक है, दैट विच इज़ अ हाईएस्ट ग्रेड, ओके। सो गाइस चलिए चलते हैं हमारे पेपर की तरफ, ठीक है, एंड वी विल ऑप्ट ऑन द ग्राफाइट एज वेल एज ब्लैक कलर का स्टेडलर मार्स ल्यूमोग्राफ पेंसिल के ऊपर हम इसको ऑप्ट करेंगे एज वेल एज कलर पेंसिल और देखेंगे इसका रिजल्ट क्या है, लेट्स गो। सो गाइज ये है हमारा शेड, ठीक है, जिसके ऊपर हम यूज करने जा रहे हैं इसको, ठीक है, आप देख सकते हो ये है स्टेडलर का 2B and 6B और ये है स्टेडलर मार्स ल्यूमोग्राफ ब्लैक कलर पेंसिल का 2B and 6B, ठीक है, और ये है हमारा कलर पेंसिल, ठीक है, जो है डार्क ग्रीन, ठीक है, हम देखेंगे एक एक के ऊपर करके यूजिंग दिस 5, 8 and 10, ठीक है, तीनों को हम यूज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ 5th grade का जेली रोल पेन 2B के ऊपर, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ऑप्ट हो रहा है, एकदम फाइन लाइन बन रही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डिटेलिंग्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ये पहले से ही लाइट है 5th वाला, इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें 8th grade का, जिसका आप डिफरेंस देख सकते हो काफ़ी मोटा लाइन है, ठीक है, बिकॉज इसका ग्रेड बड़ा है और इसका जो थिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और अच्छे से ऑप्ट हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, और डिटेलिंग के लिए काफ़ी सही है, ठीक है। और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारा 10th grade का, ठीक है, जो इससे भी ज़्यादा हमारा थिक है, ठीक है, आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से हो रहा है, ठीक है। सो गाइज अब हम यूज़ कर रहे हैं हमारा 5th grade वाला वही, लेकिन थोड़ा डार्क में, दैट इज 6B, ठीक है, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से अब इसमें अच्छे से दिख रहा है बिकॉज ये डार्क सरफेस है, ठीक है। और आप देख सकते हो मैं यूज़ कर रहा हूँ 8 वाला grade का, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है, और सेम वे मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी 10 grade का, देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। सो गाइज यहाँ भी हम वही सेम ग्रेड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ 5, 8 and 10, ठीक है, और जिस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है हमारा स्टेडलर का ब्लैक कलर का मार्स ल्यूमोग्राफ पेंसिल जो काफ़ी डार्क होता है, ठीक है। और देखो इसमें सबसे मेन बात ये है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो सो मेक श्योर दैट आप इसको ज़्यादा प्रेशर दे के अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, जब आप एकदम लाइटली लाइट बिना प्रेशर के इसके ऊपर अप्लाई करते हो पेपर के ऊपर तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्ट होता है, ठीक है। और गाइस अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ हमारे 6B के ऊपर, ठीक है, जो वही सेम स्टेडलर का मास ल्यूमोग्राफ पेंसिल है, ठीक है, आप देख सकते हो कितना स्मूथ आ रहा है, ठीक है, और अगर आप इसको लाइटली करते हो तभी उसके अंदर का जो जेली पार्ट है ना वो बाहर आता है और अच्छे से ऑप्ट हो जाता है, ठीक है, हमारे पेपर के ऊपर, जो काफ़ी सही है, ठीक है, और बहुत सेटिस्फाइंग है ये लिटरली।
सो गाइस, अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कलर पेंसिल के ऊपर, ठीक है, सेम ग्रेड वाला, और आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको स्मूथली करोगे और थोड़ा लाइट हैंड से करोगे, देन डेफिनेटली कलर पेंसिल के ऊपर भी अच्छे से ऑप्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 8th ग्रेड का, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा अभी 10th ग्रेड का, ठीक है। सब कुछ एकदम अच्छे से हो रहा है, बस आपको एकदम पेशेंस रखना है और अच्छी तरीके से स्लोली आपको अच्छे से ऑप्ट करना है, और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। ये काफ़ी यूज़फुल है आइज़ और नोज पार्ट के लिए और छोटे छोटे हेयर्स के लिए, ठीक है। और गाइज, ये जो टूल है ना, ये टूल ना आपके जो ड्राइंग को ना एकदम और रियलिस्टिक तरीके से और 3D इफेक्ट देता है, ठीक है। बिकॉज जब आप इसको वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर छोटे छोटे हेयर्स में यूज़ करते हो तो एकदम अच्छे से दिखाई देता है, और बियर्ड्स में, जिनका जिनका वाइट बियर्ड्स होता है ब्लैक एंड वाइट में या कलर पेंसिल में, उनके लिए भी काफ़ी सही है, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, कितनी अच्छे तरीके से ये एकदम अच्छे से ऑप्ट हो रहा है, ठीक है, और काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ जाकर परचेस करो, ठीक है। और यार, आप देख सकते हो, मैं इसको एकदम ब्लैक चार्ट पे भी एकदम अच्छी तरीके से ऑप्ट होता है, ठीक है, मतलब सारे मीडियम के ऊपर अच्छे से ऑप्ट होता है, ठीक है। बस क्या करना है आपको, एकदम लाइटली आपको एकदम प्रेशर ना देके एकदम अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। चलो, सो गाइज, यार आई होप अब तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यार जाओ जाकर परचेस करो यार, काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, और काफ़ी मतलब आपके ड्राइंग को ना एक अट्रैक्टिव लुक देता है, ठीक है। सो यार, अगर आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये अच्छा है, तो यार नीचे ना एक सब्सक्राइब करके लिख के आता है ना, उसका क्लिक करो। देखो मतलब जब आप क्लिक करोगे ना तो सब्सक्राइब्ड लिख के आ जाएगा, आपको एक तरीके का अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। जाओ उसको क्लिक करो और वो इमीडिएटली मर जाता है, ठीक है, जाओ क्लिक करो, ठीक है। Bye and thank you so much for watching, friends. See you in the next video. Till then, take care. Love you so much. Bye. And keep watching Akshay Dubey Arts. Keep practicing realistic. Bye. And follow me on Instagram.